तो दोस्तों, कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम इंडिया से आएंगे और हमारे पास वेट कैपेसिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या बर्तन वहीं से कैरी आउट करें या यहीं पे आके खरीदें? ये आप ले लें, आने के बाद रेडी टू ईट होती है, आपका 5 मिनट में खाना हो जाएगा। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट या हमारा फ्रेंच ब्रेकफास्ट है। दोस्तों ये बेड देखिए, मेरे बेड से भी ज़्यादा मखमली और मुलायम है, लेकिन ये बिल्ली के लिए डिज़ाइन करा गया है। सोचिए, बिल्ली यहाँ की आपसे बढ़िया बेड में रहती है। दोस्तों आधुनिकता देखिए यहाँ पर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी सुंदर सी सिटी रीम्स के एक सुपरमार्केट का व्लॉग कवर करने वाले हैं। आप सभी लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई थोड़ा बहुत फ्रांस का इधर उधर का भी दिखाया जाए, तो आज हमने फिर सोचा कि भाई क्यों ना आज सुपरमार्केट कवर कर लिया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी सब्जियाँ वगैरह भी, ग्रोसरीज वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो वो सारी थोड़ी बहुत सब्जियाँ खरीदेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कितना डिफरेंस है इंडिया के और यहाँ के रेटों में। और चलते हैं हम मार्केट के अंदर। कुछ लोग सोचते होंगे कि हम यहाँ पे आके खाते क्या हैं, तो कुछ हम ऐसे यहाँ की फ्रेंच डिशेज नहीं खाते, वही छोले वगैरह खाते हैं यहाँ के भी। तो लगभग 250 रुपए किलो के आसपास छोले मिल रहे हैं, ये आज तक के सबसे सस्ते हैं जो हमारे को मिले, ये ले लेते हैं। और ये दोस्तों, ये राजमा भी हैं यहाँ पर, और सफ़ेद राजमा भी हैं आपके, आप देख सकते हैं दालें भी हैं, तो इंडियन खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अलग अलग तरीके की दालें हैं। तो यहाँ पर चावलों का सेक्शन आ जाता है सारा, बासमती चावल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। बासमती चावलों के आप सभी के अगर रेट देखें तो ये लगभग 750 ग्राम का 380 का है, 380 यूरोज कन्वर्ट करके वहाँ लिख देंगे, अभी इतनी मैथ आ नहीं रही है। यहाँ पे ये देखिए हमारा अफोर्डेबल एक ही चावल है यहाँ पे 99 सेंट्स का, ये लगभग 90 रुपए किलो के आसपास पड़ता है, पर नॉर्मल चावल है ये, पर यही लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। रिसेशन दोस्तों, जो थोड़े आलसी किस्म के हैं, जो उबालने नहीं डाल सकते हैं, उनके लिए ये वाला राजमा है, 1 किलो का पैक मिलता है 176 का, तो 150 रुपए का ये आ रहा है। और वही पॉशिश मतलब छोले फ्रेंच में, तो ये 152 का है, ये हम नहीं लेंगे अभी क्योंकि हम उबाल सकते हैं इसको, राजमा ये वाला ले लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास मैक्रोनी के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, छोटे वाली मैक्रोनी, बड़ी मैक्रोनी, और इनके रेट भी ज़्यादा नहीं है। और ये आपके आ गए ये बड़े वाली मैक्रोनी के पैकेट, पास्ता के पैकेट, और ये भी ज़्यादा महंगे नहीं है, ये 1 किलो का है आपका 1 यूरो 50 सेंट्स का, रेट आपको इंडियन रुपीज़ में स्क्रीन पर दिख जाएंगे अभी। तो ये हमें अफोर्डेबल लग रहा है, ये एक पैक हम ले लेंगे। तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ की, हमें जो लगती है पेस्टो, ये आप ले लें, आने के बाद रेडी टू ईट होती है ये, और इसके साथ आप लगा लें अपनी स्पेगेटी, तो इन दोनों को आप ये इसको उबालिए और इसके साथ इसमें मिक्स करिए, आप खा सकते हैं रेडी टू ईट, आपका 5 मिनट में खाना हो जाएगा। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट या हमारा फ्रेंच ब्रेकफास्ट है, तो ये आप ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ हम ले रहे हैं अपने लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये पूरी रो ब्रेड्स की है, पर हमारे डाइट कॉन्शियस दोस्त जो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ढूंढेंगे तो ब्राउन ब्रेड नाम से आती नहीं है, फ्रेंच लिखा रहता है, पर आपको ढूंढना होगा पां कॉम्प्ले, तो जब आप कॉम्प्ले ढूंढेंगे तो ये वाली ब्राउन ब्रेड रहती है यूजली, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन बहुत सारी डिफरेंट। ये पूरा सेक्शन दोस्तों पूरा ब्रेड का ही सेक्शन है, आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग तरीके की ब्रेड हैं इन पे। दोस्तों बात करते हैं बिस्किट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के बिस्किट्स हैं, ये देखिए पाँव चोकला वाले बिस्किट, स्विमिंग पूल वाले बिस्किट कह सकते हैं हम इनको, हमें तो ज़्यादा पता नहीं है कौन से तरीके की है। ये देखिए दोस्तों, हमारी माता जी हमें बचपन में गोंद के लड्डू खिलाती थी, वो हमको मिल चुके हैं, तो हम ये ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनकी एक बड़ी स्पेशल टाइप की ब्रेड होती है, हम आपको दिखाएंगे अभी, ये है वो ब्रेड, अगर आप इसको सर में मारेंगे तो आप सर फाड़ सकते हैं इससे, अगर आपको हथौड़ा नहीं चाहिए तो ये फ्रांस में हर जगह आपको मिल जाएगा, यूरोप की एक खासियत है इस ब्रेड की। तो आपका कहना ये कि हथौड़े के बजाय ये ले लें, ये ले लीजिए, आपको एक यूनिक चीज़ दिखाते हैं हम, ये देखिए दोस्तों ये क्रॉसो वगैरह है यहाँ पे, ये पूरा 8 यूरो का 8.85 का है, रेट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अभी। तो ये अलग अलग तरीके के हैं दोस्तों, ये देखिएगा ये चॉकलेट वाला है, ये आपका थोड़ा चीज़ वाला है, अलग अलग तरीके के हैं ये, तो यहाँ पे आपको मीठे की कोई कमी नहीं रहेगी, आप मोटे हो सकते हैं अगर आप होना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों ये देखिए, ये क्रेप बोलते हैं यहाँ पे क्रेप, ये हमारे यहाँ का जो डोसा होता है उसका डुप्लीकेट कॉपी है, बस ये थोड़ा मीठा लगता है खाने में। दोस्तों आधुनिकता देखिए यहाँ पर, आपने हमारे देसी सब्जी वाले देखे होंगे जो हाथ से पानी मारते हैं सब्जियों पर, यह पर यहाँ देखिए कितना मस्त भाप निकल रहा है इन सारे चीज़ों से, देखने में भी ऐसा लग रहा है किसी किस्म का फॉरेस्ट है।
वाह। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे हमारे पास कितने अलग अद्भुत तरीके की प्याज हैं। हम आपको गिनती करके बताते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए कितने अलग अलग तरीके की है, ये छोटी प्याज, ये सफ़ेद प्याज, ये थोड़ी लाल सी प्याज, ये पूरी लाल प्याज, ये पीली प्याज। तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगा कि दोस्तों को दिखाइए ज़रा। और रेट भी दोस्तों उतने रंगीन है जितने रंगीन किस्म के ये प्याज हैं। हमने तो जिंदगी में एक किस्म का प्याज देखा था, वो था ये लाल प्याज जो इंडिया में मिलता है। सबसे सस्ता प्याज जो है दोस्तों वो आपका 270 रुपये किलो प्याज है, और ये आधा किलो भी नहीं है ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों की कितनी महंगाई है यूरोप में इस टाइम। क्या देख रहे हो दोस्त? दोस्त जिस चीज़ पर पूरे भारत में मारामारी चल रही है उसको देख रहे हैं। ये आपका 270 रुपये किलो है टमाटर, ये थोड़ा सा लंबा है, ये उससे भी लंबे वाला टमाटर है। बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार की हमारे पास टमाटर हैं। ये मोटा टमाटर देखिए, एक हाथ जितना बड़ा टमाटर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और कम से कम ये 270 रुपये किलो का हिसाब से टमाटर है। दोस्तों हम आपको कुछ और दिखाना चाहेंगे, ये है एवोकाडो, ये 130 रुपये का एक पीस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी महंगाई है। टमाटर तो सस्ता ही है दोस्तों, हम टमाटर ले लेते हैं, एक किलो करीब टमाटर लेने वाले हैं आज। एक किलो नहीं, आधा किलो ले। आधा किलो महंगा आई है, चलो ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम अभी आपको वेट करके दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ना बहुत अलग तरीके से शॉपिंग होती है। हमारे यहाँ तो जैसे जाते हैं तो वहाँ पे लास्ट में अपना कर लेते हैं, अब यहाँ पे हमें खुद ही मेजर करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे नाम है इसका टमाटर रोंद ग्रैप, तो यहाँ से ले लेंगे हम उसको। यहाँ पे एक मशीन लगी होती है जहाँ सेल्फ सर्विस करनी होती है। तो यहाँ पे हम जाएंगे लेग्यूम्स में, आपका टमाटर देखेंगे कहाँ पर है। टमाटर तो खो गया मेरे दोस्तों। टमाटर A few moments later। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे कोड देखना है अपना, उसका 340 कोड था। तो यहाँ पे ये हुआ, अब यहाँ से आ गई पर्ची आपकी, और ये पर्ची हम लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम इंडिया से आएंगे और हमारे पास वेट कैपेसिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या बर्तन वहीं से कैरी आउट करें या यहीं पे आके ख़रीदें? तो दिखाता हूँ आपको कुछ बर्तन। ये देखिए यहाँ पे, ये पतीला रेट दिखाइए 30 यूरो। तो ये 2700 का है, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको यही ऑप्शन मिलेंगे। आप ये वाला देख सकते हैं, जैसे 20-25 यूरो का है, तो लगभग ये 1800 के आसपास पड़ने वाला है आपको। फ्राई पैन 30 यूरो का, और बाकी सेल वगैरह भी यहाँ पे यूजुअली चलती रहती है। सिर्फ यही नहीं, इस साइड आएंगे टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, और रेट देख सकते हैं आप इनका 3 यूरो लगभग इतना यूरो। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वेट कैपेसिटी में ज़्यादा पे करना है एयरपोर्ट पे, कि आप यहाँ पे आके देख लें, अपने हिसाब से रेट कंपेयर कर लें, और भी दिखाएंगे आपको आगे। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के बड़े बड़े बर्तन। अगर किसी भाई को यहाँ पे आके लेना हो तो ये ले लें, 55 सेंटीमीटर का है ये, और ये कम से कम आपका 2500-3000 रुपये का है। तो आप देख लीजिए, बहुत ही यूनिक बर्तन है, बड़े बड़े बर्तन है। अगर किसी को हलवाई का काम करना तो वो भी हो सकता है। ये दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। तो इसको देखने में ये प्रतीत होता है दोस्तों कि ये खरगोश का खाना है, खरगोश की मक्की, खरगोश का केक और खरगोश की दाल। आप सब देख सकते हैं, सब ले सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे अच्छे टॉयज हैं ये यहाँ के पेट्स के। ये देखिए कम से कम ये है 900 रुपये का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 900 रुपये का है ये कम से कम, और ये आपका 550 रुपये, 650 रुपये, ऐसे रुपये के यहाँ पे सुंदर सुंदर टॉयज हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल आइए यहाँ पे ले लें। और टॉयज ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे पूरा कंबल, बेड सब कुछ मिलेगा आपको। देखिएगा कितना सुंदर बेड है ये कम से कम 4000 रुपये का है कम से कम। क्या बात कर रहे हैं। तो आपको अगर कुत्ता रखना है यहाँ पे तो बहुत पैसा चाहिए आपको। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं रख रहे हैं कुत्ता। दोस्तों ये बेड देखिए, मेरे बेड से भी ज़्यादा मखमली और मुलायम है, लेकिन ये बिल्ली के लिए डिज़ाइन करा गया है। सोचिए बिल्ली यहाँ की आपसे बढ़िया बेड में रहती है। आइए ये आपको बिल्ली का घर भी दिखा देते हैं। बिल्ली का घर 34 यूरो में, 22 यूरो में भी उपलब्ध है। तो मतलब 9 × 2 = 1800 से थोड़ा सा ऊपर।
बहुत महंगाई है। ये है यूरोप आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी तरीके की वैरायटी का दूध है हमारे पास। ये थोड़ा आपका नॉर्मल दूध हो गया है, ये आपका थोड़ा देखिए स्लीपर्स भी है हमारे पास, थोड़ा चॉकलेट मिल्क, थोड़ा अलग अलग फ्लेवर के हैं स्पोर्ट्स के आप वाले में। और ये आपका पैक में आ गया है, टेट्रा पैक में छोटे छोटे, ये छोटे वाले चॉकलेट मिल्क हो गए हैं। ये वाला ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला ले लिया है हमने, कितने का ये? 195 का। 195 का है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है हमारे पास अलग अलग तरीके की, पूरी की पूरी लाइन ही दूध की है दोस्तों। तो दूध और इन डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको कोई कमी नहीं आने वाली है यहाँ पे। तो ये सबसे सस्ता मिल्क है अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। एक और है यहाँ पे, और वैसे 545 के शायद 6 डेमी क्रीम, मतलब हाफ क्रीम, तो 91 सेंट्स का आपको एक पड़ जाएगा। तो अब बात करेंगे डेजर्ट की दोस्तों। तो आप ये पूरी लाइन देखिए एक बार, पूरी लाइन दिखाइए कैमरा मैन। ये पूरी लाइन ही योगर्ट की है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो डेजर्ट प्रेफर करते हैं वो दही रहता है, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्ड में मिल सकता है। जैसे आप ये देखिए, ये मिक्स फ्रूट है, और पता नहीं क्या क्या वेराइटी है यहाँ। स्ट्रॉबेरी है, ये आप देख सकते हैं। तो डेजर्ट के मामले में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास पानियों की भी बहुत सारी तरीके की वैरायटी है। हम जो बेसिकली यूरोप में आने के बाद पीते हैं वो है आपका टैप वाटर। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप पानी खरीद के भी पी सकते हैं, जो कि यहाँ पे सस्ता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है 5 यूरो का, पर यहाँ पे साथ में लिख रखा है नॉर्वे। तो ये नॉर्वे से आया हुआ पानी है, ये स्पेन से आया हुआ पानी है, ये भी स्पेन से, ये फ्रांस का पानी है दोस्तों, ये फिजी पता नहीं कौन सी कंट्री है उसका पानी है। और ये दोस्तों एक छोटी बोतलों वाला पानी है, बड़ी बोतल वाला पानी है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे मक्खन की वैरायटी। आप मक्खन ही मक्खन दे सकते हैं पूरे यहाँ पे। ये देखिए, ये 671 96। दोस्तों मैं थोड़ी कमजोर है, 96 54, 540 का आधा किलो मक्खन मिल रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी है, आप देख सकते हैं पूरे सेक्शन मक्खन का है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्रीम वगैरह आ चुकी हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं फ्रांस फेमस है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, और पूरे यूरोप के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स यहीं से जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वो वैरायटी में भी रिफ्लेक्ट आपको होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास अंडों की वैरायटी है सारी की सारी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रेट, और आपका आगे आते हैं तो ये सबसे सस्ता अंडा है आपका, 20 अंडे कितने के बैठेंगे धीरज जी? पूरी ट्रे तो की है पूरी, और एक है लगभग 23 सेंट का, तो मतलब 23 सेंट 20 रुपए का एक अंडा, 20 रुपए का एक अंडा पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। तो अगर आपको बॉडी बनानी है तो बॉडी बनानी भी बहुत महंगी चीज़ है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ तो आप सारा दिन भी घूमते रहेंगे तो सारा दिन भी आपको छोटा पड़ जाएगा। ये पूरी लाइन कैंडीज की है, पूरी पूरी लाइन आप अगर आगे तक दिखाएं सारी कैंडीज की रहेंगी। हम एक अपना फेवरेट ब्रांड ढूंढ रहे हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये रहा यहाँ पर फ्रूट शॉप का, तो ये हम ले लेंगे। और ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 यूरो 32 सेंट्स, बेसिकली सारी इसी रेट की हैं। चॉकलेट का दीवाना है तो इतनी बड़ी चॉकलेट भी मिलती है यहाँ पर। एक हम लायन ले लेते हैं, ये हमारी फेवरेट है। इस तरफ भी दिखाइए डार्क चॉकलेट। और ये दोस्तों इधर की साइड देखिए, ये पूरा चॉकलेट सेक्शन है। और दोस्तों मजाक की बात नहीं, मैंने ऐसा आज तक कभी पहले देखा नहीं था। हम यूजुअली जब फार्मिंग का कोई भी सामान लेने जाते थे तो वो हमारे को मार्केट में जाना पड़ता था, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं बेलचा तक अवेलेबल है मार्केट में। ये देखिए, इंडिया से काफ़ी डिफरेंट दिखने वाला बेलचा है, लेकिन 30 यूरो का मिल रहा है, 900 तो जितने भी किसान भाई यहाँ पे आ रहे हैं डिग्री करने, उनको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये टॉयलेट पेपर है दोस्तों यहाँ पर, और इनका रेट हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। ये आपका 4 यूरो 23 सेंट्स, तो बेसिकली सारे इसी रेट के आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितने सारे काउंटर्स हैं, पेइंग काउंटर्स हैं हमारे सुपरमार्केट के। और ये देखिए आप एंड तक है, जहाँ पर वो आपको हरी लाइट दिख रही होगी, अगर आपको दिख रही है, जहाँ पर आप पैसे दीजिए और अपना आराम से बाहर आ जाइए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हमने कुछ ग्रॉसरी खरीद ली है, लेकिन सारी नहीं खरीद पाए क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा कि हम और भी कवर करें इन मार्केट्स को, तो
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम ऐसे ही नए व्लॉग लेके आते रहेंगे आपके लिए। और सजेशन जरूर दे दोस्तों कि हम नए नए व्लॉग किस चीज़ के बारे में बनाएं, तो हम उसको कवर करेंगे यहाँ पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।